open for the campaign now. गवर्नमेंट अभी पिछले दिनों पेड़ लगा रही थी, कैंपेन चला पूरे उत्तर प्रदेश में, तमाम लोगों को पेड़ गिफ्ट भी किए गए। यहाँ किस तरीके की स्थिति है समझ में नहीं आ रही भैया, क्योंकि देखिए आज से 6 हफ्ते पहले जब मैं यहाँ देखता था तो मुझे वो मेट्रो की लाइन दिखाई नहीं देती थी, वो फ्लैट्स दिखाई नहीं देते थे। आज स्थिति ये है कि सारे पेड़ कट चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ कुछ झाड़ वाड़ बच गई है, बाकी सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है। ये 75 एकड़ की प्रॉपर्टी है सरकारी पब्लिक की, और इसमें एक बड़ा रिक्रिएशनल पार्क बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि अभी इसका डेफिनेशन 2021 के मास्टर प्लान के हिसाब से सिटी फॉरेस्ट है। अगर सिटी फॉरेस्ट है और मास्टर प्लान अभी जो नया है 2021 वाला वो सिर्फ प्रस्ताव मात्र है, तो इसको कैसे छू रहे हैं वो लोग। इसके चलते ये सबसे बड़ा ग्रीन लंग है नोएडा का, नोएडा इंडस्ट्रियल अथॉरिटी और टाउनशिप है, यहाँ पर इतना प्रदूषण होता है, ट्रैफिक है, डेंस है यहाँ की पॉपुलेशन। ये एक ऐसा ग्रीन पैच था जिससे लोगों को राहत मिलती थी, यहाँ वाइल्ड लाइफ है वो अब यहाँ से जा रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हमारे लिए, समाज के लिए घातक हैं। सरकार को इसका नोट लेना चाहिए, मीडिया को इसका नोट लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये वन कट गया तो नोएडा में इसके बाद इतना बड़ा कोई और वन है ही नहीं। प्रोटेस्ट तो बहुत रेगुलर करने ही पड़ेंगे, क्योंकि चाहे वो नोएडा, पूरे पैन इंडिया में गड़बड़ हो रहा है। दिल्ली में हमने सबने देखा, हिमाचल में, उत्तराखंड में हम देख रहे हैं, केरला में हम देख रहे हैं। तो जब तक हम ये जो ब्यूरोक्रेट्स और जो मिनिस्टर्स ऊपर सीट पे बैठे हैं, जब तक हम उनको अपनी आवाज़ चाहे चिल्लाकर बताएं या चिल्लाकर ही सुनेंगे, वो वैसे तो सुनने नहीं वाले, जब तक हम नहीं बताएंगे वो कुछ नहीं करने वाले। तो प्रोटेस्ट तो अब होएगा ही होएगा, चाहे यहाँ पर खड़े होके हो या यहाँ पे ईमेल के थ्रू हो, सोशल कैंपेन्स हो या नाच गाकर हो। हमें अपने नीलगाइस बचानी है, हमें अपने यहाँ पे बाकी और जो भी वाइल्ड लाइफ स्पीशी रहती है उसको बचाना है, हम सबके हैबिटेट हमको बचाना है। देखिए 60% तक ये फॉरेस्ट वाइप आउट हो गया है, जैसे आप देख रहे हो ये दिस वाज दी ओनली सिटी फॉरेस्ट जो पूरे नोएडा में एक ही एकमात्र सिटी फॉरेस्ट था, उसकी भी इन्होंने अब ये हाल कर दिए। तो इसलिए हमको ये लग रहा है अगर प्लांट भी करेंगे ट्रीज़ वापस तो उसमें भी टाइम लगेगा फॉर देम टू ग्रो। तो अभी जो हमको इस फॉरेस्ट से जो फ़ायदा होता है, जो आप चाहे एयर क्वालिटी ले लो या आप जो ग्रीनरी जो हमारे हमको देखने को मिलती है, वो सब इज बीइंग डिप्लीटेड इन फ्रंट ऑफ आर आईज। बिल्कुल द फॉरेस्ट इज बीइंग रेज्ड टू द ग्राउंड, तो हम बहुत कंसर्न्ड हैं। सी हम तो हमारे लिए तो आज की तारीख में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक सामने आके जो यहाँ पे सरकार है, जो अथॉरिटी है, उनको ये बताना कि ये जिस तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं, ये आज नॉट जस्ट आज के लिए बट आगे के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे खुद के लिए खड़ी कर रही है। ये हमारे बच्चे जो हैं, हम उनके लिए क्या छोड़ रहे हैं यहाँ पर। हम एक साइड हम बात करते हैं कि हमें एयर पोल्यूशन बचाना चाहिए, दिल्ली में हर समय स्मॉग की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, और फिर भी जो एक फॉरेस्टेड एरिया है हम उसको ख़त्म कर रहे हैं। सो ऑफकोर्स प्रोटेस्ट तो हमें करना ही पड़ेगा, चाहे हम धरना देके करें, चाहे हम यहाँ आके चिपको आंदोलन चलाएं, चाहे ईमेल कैंपेन्स, राइटिंग टू एवरीबडी वी नो वी कैन, जिनकी वजह से कोई फ़र्क पड़ सके। मतलब क्यों, किस लिए? इस नोएडा में क्या पार्कों की कमी है जो हमें एक और पार्क चाहिए? मायावती की सरकार आके चली गई है, हर जगह पार्क ही पार्क है। एक्चुअली नोएडा अथॉरिटी द्वारा यहाँ पर सेक्टर 91 में 75 एकड़ में बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाने का एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई थी, जिसके लिए यूकलिप्टस के पेड़ों को हटा करके नेटिव स्पीसीज का रोपण किया जाना था, जो पर्यावरणीय दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इसके क्रम में उनको 3000 पेड़ों का परमिशन दिया गया था, और उसमें 6 लाख रुपया उनसे अंडरटेकिंग भी लिया गया था कि वो इसे दोगुने वृक्ष लगाएंगे, नेटिव स्पीसीज के, इंडिजिनस स्पीसीज के पेड़ लगाएंगे। और इसमें लगभग अब तक 2600 पेड़ यूकलिप्टस के काटे जा चुके हैं। कल अचानक कुछ ठेकेदार की गलती से या कैसे रहा, इसकी जांच की जा रही है। एक नीम का पेड़ काटा गया और एक नीम के पेड़ की डाल काटी गई, और 5 बबूल के पेड़ काटे गए जिनका परमिशन नहीं था। उसके लिए वन विभाग ने मुकदमा रजिस्टर कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है।